हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपाली किचन करिश्मा। तो चलिए आज हम बनाते हैं बिना चाशनी, बिना मावा, बिना किसी झंझट के बहुत ही जल्दी बनने वाली मिठाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से मैं आपको पहले बता देती हूँ, इसका नाम है इंस्टेंट मावा रोल। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होंगे ये। यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, गैस का फ्लेम मैंने अभी ऑन नहीं करा है। इसमें मैं ये आधा कप दूध ऐड कर रही हूँ। मेज़रमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए, उसके बाद ही ये रेसिपी ट्राई करिएगा। आधा कप मिल्क ऐड कर दिया। दो चम्मच यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल ऐड करूँगी, क्योंकि जो मैं डालूँगी अभी मिल्क पाउडर में फैट नहीं होता है, अपन को इसमें फैट चाहिए, इसलिए मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करा है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तीन चम्मच यहाँ मैं पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। याद रहे आपको चीनी पिसी हुई ऐड करनी है। अगर आपके पास भूरा या चीनी पिसी हुई नहीं है तो आप शुगर को मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर ऐड करिए, बट चीनी पिसी हुई ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। के बाद यहाँ मैं एक कटोरी, आधी कटोरी मैंने दूध लिया था, तो मैं एक कटोरी या मिल्क पाउडर ले रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। फ्लेम अभी ऑन नहीं है, ये सब अपन को गैस ऑफ पर ही करना है। तो इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी पहले। अब मैं गैस का फ्लेम ऑन कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है। बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही झटपट, बिल्कुल हलवाई स्टाइल ये बनकर आपके तैयार होंगे। आप इनको रोल भी बना सकते हैं, पेड़े भी बना सकते हैं और इनकी बर्फ़ी भी तैयार कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो आप फेस्टिवल सीज़न आ रहा है तो ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे डेली न्यू एंड हेल्दी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और इसको धीरे धीरे मिक्स करते रहेंगे अपन, और इसका आप देखेंगे थोड़ी सी देर में मावा बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसमें रोज़ एसेंस डाल रही हूँ। आप चाहें तो केवड़ा वाटर या इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आ जाएगी और खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और धीरे से आप देखेंगे 2 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से थिक होने लगेगा। मैं आपको बताऊँगी, बहुत ज़्यादा अपन इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। तो देखिए, आप देख रहे होंगे हल्का हल्का मावा बनने लगा है ये। थोड़ा सा और बनाएंगे अपन। इस स्टेज पे मैं इसमें आधा चम्मच घी ऐड करूँगी। देसी घी ऐड करा है मैंने इसमें, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आ जाएगी। जैसे ही ये पैन छोड़ने लगेगा, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे इसको, वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये एकदम रेडी है, मैं बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करूँगी। आप भी बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक ना ही करें, वरना जो अपने पेड़े होंगे या आप रोल बनाएंगे ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। मैं इसको इतना ठंडा होने दूँगी कि अच्छे से मैं इसको छू सकूँ। तो ये देखिए रेडी है। इसको मैंने 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब इसको इस तरीके से अपन रोल कर लेंगे। इस तरीके से उसको अच्छे से रोल कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से रोल हो गया है ये। अब आप चाहें तो इस पे चांदी का वर्क इस तरीके से लगा सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल मार्केट स्टाइल लगेगा। जिस तरीके से मार्केट में मिलते हैं, सेम उसी तरीके से बनेंगे ये। बिल्कुल ऑप्शनल है ये, आप चाहें तो ऐसे ही कट करके इनको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए रेडी है। आप चाहें तो उसको भी थोड़ी सी देर फ्रिज में रख सकते हैं। मैं अब इसको कट कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से इसको अपन कट कर लेंगे। आप थोड़ी सी देर रोल को फ्रिज में रखेंगे तो और भी अच्छे से ये कट होगा।
तो देखिए बनकर के एकदम रेडी है। मैंने इनको कट कर दिया है। अपन इस तरीके से इनको थोड़ा सा गार्निश कर देंगे जिससे ये एकदम मार्केट स्टाइल लगे, जिस तरीके से हलवाइयों की शॉप पर मिलते हैं उस तरीके से ये लुक देंगे। ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा जिससे डेली न्यू एंड हेल्दी रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी गार्निश कर सकते हैं जिससे लुक और भी अच्छा आ जाएगा मिठाई का। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।